हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको सीने में चुभन वाला दर्द होता है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लगभग 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, और जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके अगर सीने में दर्द है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम की वजह से वो दर्द हो सकता है, या फिर अगर आपको सीने में दर्द हार्ट की वजह से है और पेट की वजह से है तो उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी आपने उसको प्यार दिया, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग उसको अब तक देख चुके हैं, और काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके पूछा है कि अगर सुई चुभने वाला दर्द होता है तो उसमें हम कैसे पता करेंगे ये किस परेशानी की वजह से हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने आज आपको वीडियो बनाया है। वीडियो को एंड तक देखिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके सीने में कई बार होता है कि थोड़ी देर के लिए सुई सी चुभती है, काफ़ी तेज़ वो सुई सी चुभती है, लगभग 1-2 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड, और कई बार सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है, या फिर गहरी सांस लेते हैं तो वो जो सुई सी चुभती है वो और तेज़ चुभने लगती है, थोड़ी सी देर होती है लगभग 5 सेकंड और वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर इस तरह की परेशानी आपके अंदर है तो आपको 3 चीज़ें देखनी है, क्योंकि 3 चीज़ों में आपको आपका क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा कि क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, सेकंड आपको कोई लंग्स की बीमारी हो सकती है, मतलब फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, और थर्ड वन इज़ अगर आपको पेट की बीमारी है जिसमें ज़्यादा कब्ज बनती है, ज़्यादा गैस बनती है, मतलब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसमें सुई चुभने वाला दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हार्ट की तरफ, क्योंकि दोस्तों हार्ट हमारा एक वैल्यूएबल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से काफ़ी दर्द हो सकता है। 40% केस में देखा जाता है कि हार्ट की वजह से इस तरह वाला पेन हो सकता है। तो हार्ट के अंदर काफ़ी सारी बीमारी हैं, काफ़ी सारी डिजीजेज़ होती है हार्ट की, जिनमें से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि अगर आपकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उस बीमारी को बोलते हैं। अगला जो है मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस होती है आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। अगली टर्म है पेरिकार्डाइटिस। तो दोस्तों, ये पेरिकार्डाइटिस होती है हमारे हार्ट की जो बाहर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम, जब उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनका साइज़ बढ़ गया है। अगला पॉइंट है मिट्टल वाल्व डिजीज़, जो हमारे हार्ट के अंदर एक वाल्व होता है जिसको मिट्टल वाल्व बोलते हैं, उसका खुलना और बंद होना, ये प्रोसेस जो है बिगड़ गया है, वो वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़। अगर आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी हो रही है तो वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में है। तो अगला पॉइंट आता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों, ये काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में भी पहले भी, इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो ये शॉर्ट दर्द होता है, काफ़ी इसमें पेन होता है, साथ में पसीना भी आता है, घबराहट बेचैनी भी होता है। इसमें जो दर्द है वो रेडिएट करता है आपके बाजू में, लेफ्ट साइड वाले बाजू में आपको दर्द करेगा, साथ साथ में इसका दर्द कई बार जवाड़े में भी आता है, फिर ये कंधे में भी चला जाता है। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। तो दोस्तों, ये सारी जो हार्ट की बीमारी मैंने आपको बताई हैं, आप इसमें कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच कराएं। अगर आपको सीने में लगातार चुभन वाला दर्द है और आपका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपनी जांच कराएं, तो उसी में कंफर्म होगा कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसकी वजह से भी कई बार सीने में चुभन वाला दर्द होता है। तो इसमें एक हमारी जो लंग्स हैं उसके ऊपर एक झिल्ली टाइप की होती है, एक लेयर होती है प्लूरा जिसको बोलते हैं, तो उसमें कई बार सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो प्लूराइटिस होती है। तो ये हमारे इन्फेक्शन में हो सकता है, चाहे वो आपका ट्यूबरक्लोसिस वाला इन्फेक्शन हो या फिर निमोनिया वाला इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें सुई चुभने वाला दर्द होता है, तो गहरा सांस खींचते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये उन दोस्तों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है जिनको खांसी रह रही हो काफ़ी टाइम से, और बलगम वगैरह आ रहा हो, साथ में बुखार रह रहा हो, मतलब आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों, थर्ड वन एंड लास्ट पॉइंट हमारा है गैस्ट्राइटिस। जिन दोस्तों को
पेट की शिकायत ज़्यादा रहती है, मतलब उनको कब्ज रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, गैस ज़्यादा बनती है, डकारें ज़्यादा आती हैं, हाइपर एसिडिटी है या फिर अल्सर है। तो उन दोस्तों में क्या होता है कि जब कई बार पेट में प्रेशर बनता है गैस का, तो वो ऊपर आके चुभन करना शुरू कर देता है, तो उसका दर्द भी चुभन वाला आपको सीने में महसूस होगा। तो लेकिन उसमें ये होता है कि आपको कभी चुभन इधर होगी, कभी इधर होगी, मतलब चेस्ट में इधर उधर चुभन हो सकती है। तो ये उन दोस्तों के अंदर ज़्यादा मिलेगा जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप ये सारी चीज़ चेक कराएं अपनी, और आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और अपनी LFT की जांच कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, साथ में आप अपने और भी चेकअप करा सकते हैं जिससे आपकी बीमारी का पता लग सकता है। तो दोस्तों, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसमें पता लगा सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन है या फिर आपको हार्ट की वजह से पेन है, और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सुई चुभने वाला दर्द थोड़ी देर के लिए 3 से 5 सेकंड या 10 सेकंड अगर आपको रह रहा है, तो इन्हीं में से कोई आपके अंदर एक बीमारी चली हुई है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी जांच कराकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।